हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सीटेट सीडीपी का सुपर 30 क्लास। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य है? आपके ऑप्शन है ए, त्रुटियां सीखने के क्षेत्र हैं, बी, त्रुटियां भाषा अधिगम में बाधा डालती हैं, सी, त्रुटियों को तुरंत ही सुधार देना चाहिए, डी, त्रुटियां शिक्षकों के लिए पृष्ठपोषण का काम करती हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है त्रुटियां सीखने के क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही है, ये त्रुटियों से बालक सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन है त्रुटियां भाषा अधिगम में बाधा डालती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। त्रुटियों से भाषा अधिगम में कोई बाधा नहीं पड़ती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सी है त्रुटियों को तुरंत ही सुधार देना चाहिए, ये बिल्कुल जो है कि गलत बात है। बच्चों को अवसर देना चाहिए, उनको समय देना चाहिए थोड़ा बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए, और जो है कि उनको अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कि त्रुटियां शिक्षकों के लिए पृष्ठपोषण का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। त्रुटियों से शिक्षक को पता चलता है कि बालक के अंदर क्या कमी है। मतलब कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए, जॉन एंड सिम्पसन, बी, गैसल, सी, स्टेनली हॉल, डी, गिडफ्रे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनली हॉल। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन स्टेनली हॉल का है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्लेक्सिया संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए, लेखन संबंधी समस्या से, बी, पढ़ने संबंधी समस्या से, सी, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, डी, वाक क्षमता संबंधी विकास से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने संबंधी समस्या से। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। अब सीटेट एग्जाम में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर लेखन संबंधी समस्या, मतलब कि बालक को लिखने में दिक्कत होती है, तो बालक में क्या है, डिसमाफिया या डिसप्रैक्सिया है। नेक्स्ट है पढ़ने संबंधी समस्या, यदि बालक को पढ़ने में, पुस्तक पढ़ने में दिक्कत होती है तो समझ लीजिए कि बालक में डिसलेक्सिया है। नेक्स्ट है गणितीय कौशल संबंधी समस्या, यदि बालक को गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है तो बालक में डिसकैलकुलिया है। नेक्स्ट है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, यदि बालक में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता पाई जाती है तो बालक में अफेजिया या डिसफेजिया है। तो ये चारों टॉपिक हैं जिससे कि सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? आपके ऑप्शन है ए, बंदरों से, बी, कुत्तों से, सी, मुर्गियों से, डी, वनमानुषों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वनमानुषों से। जो संबंध स्किनर का चूहों से था, मतलब कि स्किनर ने जो प्रयोग चूहों पर किया था, थार्नडाइक ने जो प्रयोग बिल्लियों पर किया था, सेम वही प्रयोग जो है कोहलर ने वनमानुषों पर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ए, पायोलाव, बी, स्किनर, सी, हॉल, डी, थार्नडाइक।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक स्किनर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? आपके ऑप्शन है ए स्मृति, बी बोध, सी चिंतन, डी वर्णन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वर्णन। स्मृति, बोध और चिंतन ये तीनों जो हैं शिक्षण के प्रारंभिक स्तर हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन है वर्णन। वर्णन जो है कि शिक्षण का स्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा निगेटिव में है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब निगेटिव में हो तो हमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन है ए पुरस्कार, बी प्रशंसा, सी दंड, डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर मेस, बी योकम, सी सिम्पसन, डी कोलेसेनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मेस ने। डॉक्टर मेस ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। आपके ऑप्शन है ए अनुक्रिया सामान्यीकरण, बी अनुक्रिया अनुबंधन, सी उद्दीपक सामान्यीकरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उद्दीपक सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 21A। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए एक समस्या, बी एक गुण और साधन, सी एक रुकावट, डी एक व्यवस्थागत मुद्दा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक गुण और साधन। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन है ए मौलिकता, बी अस्पष्टता के प्रति सहनशीलता, सी अभिसारी सोच, डी सोच में लचीलापन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अभिसारी सोच। अभिसारी सोच के द्वारा रचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, शरारत करने वाले बालकों को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करोगे? आपके ऑप्शन है ए उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाएंगे, बी उसे कक्षा के एक कोने में बैठाएंगे, सी उससे श्यामपट को साफ कराएंगे, डी उसकी शरारत का कारण पूछेंगे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उसकी शरारत का कारण पूछेंगे। शरारत करने वाले बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए
उसकी शरारत का कारण पूछेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व है। आपके ऑप्शन है ए सामान्यकरण, बी समझदारी, सी अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना, बी बालकों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए, सी बालकों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना, डी कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बालकों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। शिक्षकों को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए बालकों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने के क्या लाभ नहीं हैं। आपके ऑप्शन है ए यह पाठ में आरोचकता उत्पन्न करता है, बी पाठ का मुख्य बिंदु समझाने हेतु आवश्यक है, सी पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है, डी बालकों के ध्यान को केंद्रित करने हेतु आवश्यक है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण का पाठ की सज्जा से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालक के समायोजन संबंधी कारक हैं। आपके ऑप्शन है ए उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना, बी अपनी सामाजिक स्थिति में प्रसन्न रहना, सी अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना, डी उसमें प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति का विकास करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों के समायोजन के लिए अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, किसी बालक का साक्षात्कार लेने के लिए आवश्यक है कि। आपके ऑप्शन है ए वह बालक की व्यक्तिगत रुचियों को जानने की कोशिश करे, बी वह बालक की अच्छी बुरी आदतों को जानने की कोशिश करे, सी बालक अपनत्व को अनुभव करे, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बालक अपनत्व को अनुभव करे। किसी बालक का साक्षात्कार लेने के लिए यह आवश्यक है कि बालक अपनत्व को अनुभव करे। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। आपके ऑप्शन है ए शिक्षक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए, बी ऐसे बालकों की अलग कक्षाएं चलाई जाए, सी उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए, डी पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया जाए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया जाए। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए एक शिक्षक को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से क्या व्यवसाय परक शिक्षा का लक्ष्य है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षा के व्यवसाय मिले, बी शिक्षा व व्यवसाय दोनों ही मिले, सी किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए, डी शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के व्यवसाय मिले। निम्न में से क्या व्यवसायिक शिक्षा का लक्ष्य है? व्यवसायिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा के व्यवसाय मिलने से है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन है। आपके ऑप्शन है ए जिन पियाजे का, बी गेट्स महोदय का, सी स्किनर का, डी गिलफोर्ड का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गेट्स महोदय का। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह गेट्स महोदय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई बालक पढ़ने में और रुचि प्रदर्शित करे तो शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए उसके गृह कार्य में कटौती करे, बी प्राचार्य से उसकी शिकायत करे, सी वास्तविक कारण की खोज करे, डी नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक कारण की खोज करें। जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करता है तो शिक्षक को बालक के अंदर की वास्तविक कमियों को पता करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? आपके ऑप्शन है ए वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। आपके ऑप्शन है ए 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक के बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, टी आकस्मिक अधिगम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, तो ऐसे अधिगम को हम लोग सामाजिक अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने। आपके ऑप्शन है ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जिन पियाजे जी ने क्या कहा ये आप लोगों को बताना है। देखिए आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जिन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में जिन पियाजे जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए बाल अपराध, बी कमजोरों को डराने वाला, सी भगोड़ापन, डी स्वालीनता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्वालीनता।
शालीनता भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। आपके ऑप्शन है ए धर्म में, बी मानव शरीर में, सी यौन संबंधों में, डी विद्यालय में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके ऑप्शन है ए विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे हम लोग शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे। दोस्तों क्रिकेट में तीन तरह के प्लेयर होते हैं, बल्लेबाज, बॉलर और तीसरे होते हैं ऑलराउंडर, जिनके पास बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने का कौशल होता है। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी सीटेट सीडीपी की सुपर 30 क्लास। हमारी क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।